राज दिल्ली में मनचले मालिक बॉस के दोस्तों से बचने के लिए प्रोफेशन डांसर ने बियर बार की छत से कूदकर जान दे दी। मृतक डांसर की पहचान बुधविहार निवासी राखी के रूप में हुई है। डांसर की बहन की शिकायत पर पुलिस ने बार मालिक विजय और उसके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। रोहिणी सेक्टर 9 के नॉर्थ एक्समाल स्थित बियर बार में शनिवार की रात निजी पार्टी थी। इसमें बुधविहार निवासी प्रोफेशन डांसर निशा और उनकी छोटी बहन राखी उर्फ तानिया डांस करने के लिए गई थी। पुलिस को दी शिकायत में निशा ने बताया कि बियर बार के मालिक विजय ने करीब 5 घंटे तक दोनों से पार्टी में डांस करवाया। इसके बाद रविवार तड़के करीब 4:30 बजे दोनों घर जाने लगी। इस दौरान बार मालिक विजय और उसके दोस्तों ने राखी को रोककर फिर डांस करने के लिए कहा। राखी ने मना किया तो उन्होंने मारपीट करते हुए जबरदस्ती शुरू कर दी। राखी ने जब वहां से भागना चाहा तो सभी ने घेर कर अभद्रता शुरू कर दी। इससे परेशान होकर राखी ने बार की तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। इसके बाद आनंद फानंद में आरोपित घायल राखी, निशा और एक अन्य डांसर को अंबेडकर अस्पताल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने राखी को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस बार मालिक से पूछताछ कर रही है, साथ ही बार के सीसीटीवी कैमरे की फुटेज व आसपास के कैमरे की फुटेज खंगाल रही है। प्रशांत विहार इलाके में कई बार ऐसे हैं जिनमें शाम ढलते ही निजी पार्टी शुरू हो जाती है। निबार डांसर आती हैं जो देर रात तक डांस करती हैं। इन लड़कियों पर शराब के नशे में धुत लोग हजारों रुपए लुटाते हैं। इसे बार मालिकों को मोटी कमाई होती है। सूत्रों की माने तो ये बार बिना लाइसेंस के चल रहे हैं।